हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू फिल दिस यू राजस्थान एप्लीकेशन फॉर्म। तो यार इसको कैसे पेमेंट करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या करना है, तो देख लेते हैं। पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये नया विंडो खुलता है और हमसे यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो हम जो भरते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो है यहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ फिल कर ली है। अब मुझे यहाँ पे जो है सबमिट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे हमने अपनी जो सिंपल डिटेल है एप्लीकेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ डाली, तो यहाँ पे अपना नाम शो हो जाता है, एप्लीकेशन नंबर शो हो जाते हैं। फिर आपको जो है काउंसलिंग पे क्लिक करना होता है स्टूडेंट। इसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहा है जहाँ पे मेरे को प्रोफाइल, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट, सब्जेक्ट सेक्शन, पेमेंट और डन पे ऑप्शन आ रहा है। तो हम चलते हैं प्रोफाइल पे। तो आपको अब जो यहाँ पे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट, मेरे पास ये जब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो रही है, इसके बाद मैं जो है यहाँ पे क्लिक करूंगा और सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी ये मेरे को बोल रहा है कि क्लिक टू एडिट एंड कंप्लीट द डिटेल्स। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो जस्ट तो जो है पहले यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं आपको एडिट पे, ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे अपना ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस वगैरह जो भी है, आपने ऑलमोस्ट अभी तक फिल किया हुआ नहीं है इसमें, तो मैं जस्ट फिल कर देता हूँ उसको। पूरे फॉर्म को मैंने फिल कर दिया है, अब मैं जस्ट ये सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके गाइस, पर्सनल डिटेल पूरी फिल हो चुकी है। अब मेरे को जो है ये डिटेल फिश करनी है। ठीक है, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है मेरे को, सीबीएसई सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब पासिंग ईयर पूछ रहा है मेरे को, तो कब पास किया था मैंने, मैंने 2021 में पास किया है। ओके, एंड कोर्स या स्ट्रीम नेम, तो साइंस से हूँ मैं। ओके एंड ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने फिल कर दिया, अब मैं जस्ट सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये जस्ट मेरे को ये डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रहा है कि आपको जस्ट इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो डालने हैं इसके अंदर। ओके, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देता हूँ अभी इसमें। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ऑलमोस्ट जो भी मेजर सब जो थे, जैसे फोटो है, सिग्नेचर है, 10th 12th माइग्रेशन, करेक्टर ट्रांसफर, ये जो सर्टिफिकेट है ये जहाँ से भी आपने स्कूलिंग की है या आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ से प्राप्त कर ले जल्दी। और आपका जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूर ही अपलोड करें। तो मैंने जस्ट कास्ट का भी कर देता हूँ, अभी कास्ट का मैंने छूट गया। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपका जस्ट जो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये अपलोड कर देता हूँ अभी। तो जस्ट यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है, तो आप जैसे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर दें, उसके बाद जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाता है। जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है अभी। ओके, तो मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। मैं कंफर्म पे क्लिक करके कंफर्म और सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर से एक नया विंडो खुलता है। फिर से नया विंडो खुलने के बाद मेरे से जो है प्रेफरेंस पूछ रहा है कि जस्ट आपके पेपर 1 के अंदर 153 मार्क्स है, पेपर 2 के अंदर 250 मार्क्स है, तो आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करें, सेकंड करें, देन थर्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। ओके, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे अपनी जो भी प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे ये एमएससी के कोर्सेज दिखा रहे हैं सारे, आप मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद आपको 1,000 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को नॉन रिफंडेबल है, जिसका आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। और इसके पास जो इसका अलॉटमेंट है वो रिलीज किया जाएगा आपको कट ऑफ के आधार के ऊपर। अगर आपके मार्क्स कम है तो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको गारंटेड सीट मिलता है अगर आपके मार्क्स कम है तो। थैंक यू सो मच गाइस, और यार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहें। और अभी कुछ मेरा एक कॉलेज है, पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब, दिस इज सिचुएटेड इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड कैंपस, तो यू कैन गेट एडमिशन इजिली इन बीटेक इन एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल फ्यूचर कोर्सेज, बिकॉज फ्यूचर के यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में एरोस्पेस एरोनॉटिकल के बहुत कम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो तो वो डायरेक्ट ले सकता है एडमिशन। तो
इसके कोई लिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक चार्ज भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो तो वो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है या फिर जो है गूगल पे विजिट कर सकता है psac.ac.in, और डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है psac पटियाला। और अभी यार कुछ सीट्स वेकेंट है, किसी को अगर लीट में डायरेक्टली एडमिशन लेना हो इन एरोस्पेस एंड एरोनोटिकल, जिसने मैकेनिकल वगैरह में डिप्लोमा किया हो या फिर किसी अदर ब्रांच में किया हो, तो फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है यार। अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो अभी कुछ सीट्स वैकेंट पड़ी है, लीट के अंदर भी एटलीस्ट सीट वैकेंट है 25 से 30 सीट, और जस्ट यूजी कोर्सेस के अंदर भी 30 से 20-30 सीट्स वैकेंट है। तो अगर किसी के बच्चे का इंटरेस्ट हो तो वो ले सकता है एडमिशन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और सीयू सिटी का जो भी मार्क्स आए हैं आपके, उसके बेसिस पे खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और यार किसी बच्चे के कम मार्क्स है तो वो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है यार, कुछ मतलब लास्ट एंड मोमेंट पे करवा देते हैं। मतलब ऐसा चीज नहीं है कि मतलब तुम्हारे लिए कोई स्पेशल सीट बनाई जाएगी, ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन हम कुछ मतलब चार्जेस लेते हैं, लेकिन 100% गारंटी है एडमिशन की। तो अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, या फिर अभी कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान भी चल रहा है। और वैसे कम मार्क्स पे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है भाई, एटलीस्ट 280 या फिर 320 प्लस मान सकते हो। ओके।